दोस्तों हम अभी आए हैं अमृतेश्वर शिव मंदिर पर, तो दुबे जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? तो ये शिव मंदिर भी अमृतेश्वर मंदिर है रे, जूना मंदिर है। अच्छा। ये भी मतलब 400-500 साल पुराना, ये पूरा खाली के अंदर ही बने हुआ है। अरे मुख्य पुरोहित अरे ये छे। अच्छा। अंदर शिव मंदिर गणेश जी वगैरह सब, ये भी जूना है, कम से कम 500 साल पुराना। अच्छा। तो हम अंदर चलते हैं मंदिर, अंदर से देखें। हम अभी देख रहे हैं अंदर से शिव मंदिर, यहाँ पर स्थित है शंकर भगवान की पिंड। उसके बाद में मंदिर के अंदर सूर्य प्रकाश और हवा आने के लिए खिड़कियाँ रखी गई है दोनों साइड में। उसके बाद में सामने गणेश जी की भी मूर्ति है। पूरा ये जो मंदिर है पत्थर में बना हुआ है, ऐसे ये दो मंदिर यहाँ पर दौलताबाद है। ऐतिहासिक देवगिरी दौलताबाद के अंदर शिव मंदिर बहुत है। अच्छा। मतलब यहाँ से आप भी जाएंगे ना, यहाँ पर बाजू कुमार गली जैसे मतलब जाते वक्त आपको जो है तो वहाँ पे भी मंदिर मिलेगा। उसके बाद में और शिव मंदिर है, कुमार वाड़े के अंदर गए तो और भी मतलब शिव मंदिर, दो तीन शिव मंदिर। हाँ नहीं ज्यादा है, लेकिन वो सब पुरातन है, पुरातन है ये। अच्छा। पुरातन चीज है ये, संत महापुरुषा पुरातन है। अच्छा। 1652 में उन्होंने संजीवनी समाधि ली थी। अच्छा। वो भी मंदिर बहुत जूना स्थान है। अच्छा। ये जो भी चर्चा है जूना स्थान है, सभी पुरातन। हाँ पूरा पुरातन है। अच्छा। ये मंदिर पे कुछ ऐसी भी पत्रे ये सहूलियत के लिए। हाँ बस बाकी नहीं तो जूना है ये पूरा ऐसी। चलिए तो अभी हम आगे चलते हैं। कौन सा मठ है? संत मानपुरी स्वामी मठ है। अच्छा। हाँ संत मानपुरी स्वामी मठ। चलिए हम आगे देखते हैं संत मानपुरी मठ। जी चलिए।